तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो आप अच्छा ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। यह है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन दोस्तों, और आप सभी को बता दूं कि ये 1871-66 में खोला गया था दोस्तों, और इसका विद्युतीकरण हुआ था दोस्तों 1971-72 में। और आप सभी को बता दूँ कि इस पर 6 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और आप सभी को बताऊं कि पहला रूट तो जाता है दोस्तों मेरठ सहारनपुर के लिए, दूसरा रूट जाता है दोस्तों मुरादाबाद बरेली के लिए, तीसरा रूट जाता है दोस्तों कानपुर नखलऊ बिहार यानी कि गया के लिए। तो ये रूट है दोस्तों, और आपको बता दूं कि इसमें 13 लाइन है, और 13 लाइनों में आप लोग देख सकते हो इसमें रूट के हिसाब से बटे हुए हैं। क्योंकि आप सभी को बताऊँ कि ये देखो, ये तो सारा कंस्ट्रक्शन का सामान है, जो कि बदरपुर हुआ और भी सामान हुआ जो गाजियाबाद से लोड होकर जाता है बाहर के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। और आप लोगों को बता दो, यहाँ पर फुटओवर ब्रिज 3 है दोस्तों, और एक ब्रिज बनाया गया है वाहनों के लिए, जो कि वो विजयनगर के लिए बनाया गया, गाजियाबाद टू विजयनगर। तो आप सभी को देखने के लिए वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्टील का स्ट्रक्चर, वहीं पर है ये। और ये चला जाता है दोस्तों दिल्ली के लिए, ये वाला रूट ये दिल्ली अंबाला के लिए चला जाता है। और पीछे वाला रूट है दोस्तों, इसमें से 3-3 लाइन डिवाइड हो गई हैं दोस्तों। एक मेरठपुर सहारनपुर के लिए चली जाती है, मेरठ सहारनपुर, दूसरा मुरादाबाद बरेली के लिए चला जाता है, तीसरा कानपुर ये इधर होते हुए सीधा नखलऊ, और ये तुम्हारा फैजाबाद, ये सब गोरखपुर पोरखपुर सारे में ही, और ये बिहार गया के लिए लाइन चली जाती है दोस्तों। अब आप लोगों को बता दूं, देखो ये फुटओवर ब्रिज है, ये बिल्कुल क्रॉस कर देंगे दोस्तों तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आप लोग विजयनगर में एंटर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की, क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए। और आप सभी को बता दूं कि जिससे ये बिजली बनती है दोस्तों, वहाँ पर ट्रेनों में कोयला आता है, वो कोयला किस प्रकार का होता है, चलो मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आप लोग बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे आप लोगों को, इंफॉर्मेटिव लगे, तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाजाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। छोटा सा वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अभी आप सभी को बता दूं कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को अभी दोबारा से बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसकी पार्किंग का के हिसाब किताब जो पुरानी बिल्डिंग थी वो सारी तोड़ दी गई हैं, बस जो पटरियाँ ही पटरियाँ हैं यानी कि प्लेटफार्म ही प्लेटफार्म बचे हुए हैं। तो देखो इस तरीके से ये कोयला लाया जाता है गाड़ियों में, और ये जा रहा है दोस्तों दिल्ली की साइड में। तो अभी ये ट्रेन चलने वाली है कोयले की, तो चलने लगेगी। और देखो ये लोकल ट्रेन आई है दोस्तों, कहाँ से ये आई है दोस्तों, मेरठ की साइड से, तो इसी वजह से यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा, और यहाँ से ये दिल्ली के लिए जा रही है, अब नई दिल्ली के लिए जाएगी, और इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़। और सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 8, सुबह के 8 का टाइम हो रहा है, तो अभी जल्दी बन जाएगा। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भाई साहब, मैं तुम्हें आप सभी को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग इन्जॉय करना ऐसे ही वीडियो। तो इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी आप लोग नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना हमें, आप लोग बताना दोस्तों। देखो फुटओवर भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना, और आप लोगों को सारे प्लेटफॉर्म बता दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 यानी कि दो दो अलग अलग पटरियां हैं दोस्तों, एक इस साइड में एक उस साइड में, बीच में ये चलने के लिए है पैदल पार करने के लिए। तो यही है इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। और इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों। देखो ये कोयले की अब ट्रेन चलने लगी है, और कोयला बिल्कुल बारीक वाला है दोस्तों, जो अपने इसमें भट्टियों में जलाते हैं वो वाला कोयला नहीं है दोस्तों, ये वो वाला कोयला नहीं है जो भट्टियों में जलता है जिससे खाना पीना बनता, वो नहीं है। ये दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में जाता है, फिर बिजली बनती है, विद्युतीकरण होता है बनती है, तो ये उसके लिए कोयला आया है। तो ये आता है दोस्तों कहाँ से, झारखंड की साइड से ये कोयला आता है, देखो वहाँ से ये लेकर आती है ट्रेन।
तो काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र होता है, तो थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दे दी जाए, क्योंकि मैं अभी और कंस्ट्रक्शन की वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसी चक्कर में मैं जा नहीं पाता हूँ। दूसरी बात ये है धूप में शूट भी नहीं कर पाता हूँ कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है दोस्तों, कैमरा हो जाता है बिल्कुल हाई, और हाई होने पर ये इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये बंद हो जाता है, फिर काम करना बंद कर देता है, तो इसी वजह से नहीं निकल पाता हूँ। और कुछ घर की प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इस चक्कर में आप सभी के बीच में अपडेट्स नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, तो मैंने सोचा चलो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया जाए दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हों, आप देखना चाहते हों, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगली बार आप सभी को फुल डिटेल के साथ में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन सी ट्रेन कब जाती है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।